तो क्या यार सच में ये सेगमेंट में आग लगाने वाला है या फिर खुद ही जल के राख होने वाला है? Check the mic and make sure it sound right, boys. लगे ना, हमें भी बहुत लगे थे यार। अब बात करते हैं असली चीज, वो है बिल्ड क्वालिटी। तो यार जब इसको बॉक्स में से जैसे निकालोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा था यार देखने में है, लेकिन जैसे हाथ में लोगे कुछ देर अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर असलियत बाहर आएगी, फिर धीरे धीरे ये जो है चीप लगने लगेगा। ये रबड़ की क्वालिटी हमें अच्छी नहीं लगी, ये जो डायल की क्वालिटी पूरी प्लास्टिक है यार, ऊपर से जो बक्कल है हाला इसको भी मेटल नहीं दिए भाई साहब, ये भी प्लास्टिक, मतलब पूरा प्लास्टिक रबड़ बना के बना दिए वॉच है, ऊपर से हाला पीछे जो है वो भी प्लास्टिक, और प्लास्टिक क्वालिटी भी हाई नहीं है, देख रहे हो क्या यार भाई। ऊपर से ये जो बटन है इतना अच्छा लगा था देख के यार, दिल आ गया था इस पर, लेकिन जैसे इसको छुए ना हिलने लगा, हमारा दिल भी हिलने लगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आया यार। और भाई ये जो डायल में पेंट यूज किया गया प्लास्टिक के ऊपर, ये समय के साथ कैसा रहता है उसके लिए यार लॉन्ग टर्म रिव्यू जरूर देखना, रगड़ के यूज करने वाले हैं और बहुत धागड़ रिव्यू लाने वाले हैं लॉन्ग टर्म वाला। तो यार 2000 रुपए के हिसाब से ना ये बस ठीक है, और इसको बोल रहे हैं इंट्रोडक्टरी प्राइस। नॉइज वालू यार, इंट्रोडक्टरी प्राइस ही महंगा है इसका है, 1700-1800 का बेचो तो ठीक है ये, ऊपर से यार अभी तुम महंगा कर दोगे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे फिर। 2000 रुपये अब बहुत है इसके लिए, इससे ज़्यादा देने लायक नहीं है इस वॉच का, अगर बिल्ड क्वालिटी को देखें तो। और भाई आसानी से इसके पट्टे गिरने गिरने वाले नहीं हैं, काफ़ी मजबूती से भैया अंदर फंसा हुआ है, और अगर भाई इनके वेट की बात कर ले तो सुपर लाइट है, मतलब कुछ देर बाद पता ही नहीं चलेगा हाथ में कुछ है। तो यार यही वजह है कि यहाँ पे कम्फर्ट ही बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और जो इसके अंदर की डिजाइन है ना ये सब बहुत ज्यादा कर्व टाइप के हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ही चुभने नहीं वाला, और इसी डिजाइन के वजह से कंफर्ट लेवल काफी अच्छा है इसका। तो यार अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर ले, जैसे अनबॉक्स किए हैं भैया, डब्बा देखो प्रीमियम क्वालिटी का था, अनबॉक्स करते भैया हमको मिल जाता है वारंटी कार्ड और साथ में भैया नॉइस के ढेर सारे स्टिकर, फिर नीचे भैया धरी रहती है वॉच जो कि फॉर्म का पैड रहता है उसके नीचे, और वॉच के ऊपर लगा रहता है नॉइस का स्टिकर, तो भैया देखने में तो काफी प्रीमियम लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग डॉक जो कि करेगा चार्ज इस वॉच को, उसके अलावा अंदर बड़ा सा मैनुअल बुक, बस इससे ज़्यादा कोई भी कंटेंट नहीं रहता है किसी भी वॉच में। ओवरऑल जो बॉक्स की पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है हमें प्राइस को देखते हुए। और वहीं अगर बॉक्स स्पेक्स की बात कर रहे हैं तो 1.69 की TFT टच स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पे कितने निट्स की ब्राइटनेस यही दिखाया हुआ है, बॉडी टेम्परेचर भी मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, ब्लड और ऑक्सीजन मॉनिटर देखने को मिल जाता है, कॉल एंड SMS क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे 60 स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट है यार। 15 दिन की बैटरी लाइफ बोल रहे हैं, चलो 10 दिन की मिल जाए वो बड़ी बात है। IP68 वाटर प्रूफ देखने को मिल जाता है, और स्ट्रेस मॉनिटर भी यहाँ देखने को मिल जाता है, ये हाईलाइटेड फीचर्स हैं। अब इसके अलावा यार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर फीचर्स की, तो यार देखो कैमरा कंट्रोल इसे मिल जाता है, और वो इन्हीं के ऐप से काम करता है, आपका जो डेडिकेटेड मोबाइल कैमरा ऐप है ना उस पर वर्क नहीं करता है, इनका जो ऐप है उसी पे, यानी आप फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं कर पाओगे तो ओवरऑल बस कई जगह पे काम आने वाला है ये। और म्यूज़िक कंट्रोल है उसकी अगर बात कर ले तो वो यार बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था, यूट्यूब पे भी हमने चेक किया, सावन और गाना जैसे ऐप्स भी हमने चेक किया, बहुत ही तगड़ा इसका रिस्पॉन्स था, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, और यहीं से आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी लगी है। वहीं वॉच के अंदर झांक लिया तो वॉच की UI हमें ठीक ठाक लगी है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं कर सकते लेकिन ख़राब भी नहीं कर सकते, अच्छी है। और वहीं पे आप देख लो, जब जैसे ही वॉच से आप लेफ्ट आते हो तो यार म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, ब्रीथ मोड मिल जाता है, स्ट्रेस मोड मिल जाता है, हार्ट रेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है जो आप दिन भर किए रहोगे वो सारी जो है। और वहीं अगर ऊपर से स्क्रॉल करें तो भैया सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो भी मैसेज आपके आते हैं, उसके अलावा अगर नीचे से करते हो तो भैया पहले दिया जाता है बैटरी मोड, इसको अगर करते हो तो पावर सेविंग मोड आप ऑन कर सकते हो, उसके यहाँ पे फाइंड माई फोन का फीचर मिलता है, जैसे दबाओगे ना फोन में घंटी बजने लगेगी, और यहाँ पे भैया ब्राइटनेस आप फुल कम ज्यादा कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड देखने को मिल जाता है, टॉर्च मोड देखने को मिल जाता है, देखो है ना, तो ये अंधेरे में थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा यहाँ से आप बैक जा सकते हो, उसको दबा करके और घुमाने से कोई फीचर नहीं ऑन होता है। सेटिंग्स पे अगर जाके देख ले भैया तो इतने सारे जो है आपको यहाँ फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है ब्राइटनेस जो कि वहाँ देख चुके हैं, वापस यहाँ पे दिया वाइब्रेशन, ये वॉच की वाइब्रेशन है भैया जो हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं।
अगर थोड़ा बहुत सुनाई दिया और समझ में आया होगा। और यहाँ रेस टू वेकअप वाला जो फीचर होता है, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो ऑन भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो है स्क्रीन का कितना देर तक ऑन रखना है उसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, और डिफॉल्ट 5 सेकंड आता है आई थिंक। उसके अलावा यहाँ पे वॉच की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, फिर से DND मोड, और यहाँ पे DND मोड का ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो कम ज़्यादा अपने हिसाब से। तो ये अच्छा लगा यार। और ये QR कोड स्कैनर है, यानी दूसरे फ़ोन से अगर पेयर करना है फिर किसी अपने ही फ़ोन से पेयर करना है तो वापस स्कैन कर सकते हो नॉइस के ऐप के थ्रू। और यहाँ पर रिबूट देखने को मिल जाता है जो कि करना नहीं है, यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हो डायरेक्ट टच स्क्रीन से, और यहाँ से भी कर सकते हो। ये तीन जो ऑप्शन है ना, ये आपको यहाँ देर तक बटन दबाओगे तो भी यही ऑप्शन आता है ये, है ना। तो ये चीज़ हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, बटन को जो है जैसे ही दबाओगे ये देखो एक और मेनू खुल जाता है। यहाँ पे नॉइज़ हेल्थ करके है, क्लॉक है, वर्कआउट है, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी अभी स्पोर्ट्स वगैरह खेलोगे इसके रिकॉर्ड्स, वेदर, म्यूजिक प्लेयर फिर से आ गया, ब्रीथ रिमाइंडर, और फ्लैश लाइट यहाँ से भी जला सकते हो, और वॉच से यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग फिर से वही आ गई। बाकी नॉइज़ हेल्थ में आप देख सकते हो ये एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, स्लीप मोड देखने को मिलता है, SpO2, हार्ट रेट, टेम्परेचर और स्ट्रेस यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। वर्कआउट भाई इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अदर स्पोर्ट्स जो है देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड्स तो यार भर भर के है। इसके अलावा यहाँ पे हम वॉच फेसेस की अगर बात कर लें तो डायरेक्ट आप स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हो और कस्टमाइज करके कुछ इस तरीके का वॉच फेस भी आप लगा सकते हो। और एक चीज़ हमें यहाँ पे अच्छी लगी है, नॉइज़ वाले जो है अच्छे अच्छे वॉच फेसेस दे रहे हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है, आपने कितना स्टेप चला है वो दिखाया, कितनी कैलोरी बर्न की है वो भी दिखाया हमने, बस 3 अटैक की है कैलोरी बर्न। और यहाँ पे कुछ भाई क्लासिक जैसे दिख जाता है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे लाइव वॉल पेपर भी देखने को मिल जाता है। देख रहे हो कैसे देखो हम यूनिवर्स में घूम रहे हैं, मतलब वॉच के अंदर यूनिवर्स घूम रहा है, कितना गजब का लग रहा है ना। तो ये लाइव वॉलपेपर देखने को मिल रहा है इस प्राइस में, तो ये अच्छी बात है यार। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इस तरह का भी आपको एक बढ़िया सा एनालॉग वाला वॉच देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कूल लगता है यार यहाँ पे। और नॉइज़ की देखो ब्रांडिंग भी दिख जाती है ऊपर, तो बढ़िया है नॉइज़ यार, अपना प्रचार किए रहो। यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, और सुई देखो कितने बढ़िया घूम रही है इसे रियल वाली एकदम। बैटरी का भी देखो परसेंटेज पीछे दिखा रहा है, ठीक है। और स्टेप आप चल ही नहीं रहे हो, मतलब सब्सक्राइब कर दो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, लाइक भी और शेयर भी। तो यार जब फर्स्ट टाइम पेयर करोगे ना फ़ोन को, तो यार एकदम सिंपल सा फंडा है, इसके QR कोड को नॉइज़ के ऐप से स्कैन करना है और ये तुरंत जो है पेयर हो जाएगा। उसके बाद जो है एक ऑप्शन आते हैं कुछ, उसमें फुट स्टेप के लिए ये पूछता है कि आपका जो स्टेप है फुट स्टेप वो कितने सेंटीमीटर का रहता है। तो लमसम आप एक आइडिया लगा लेना, या फिर नाप लें सेंटीमीटर, तब उसको अगर आप ऐड करते हो तो काफ़ी हद तक ये है कि एग्जैक्ट फुट स्टेप आपको ये दे जाएगा रियल लाइफ में। बाकी ऐप बड़ा सिंपल है, किसी को पसंद भी आ सकता है किसी को नहीं भी। इसके अलावा यहाँ दिखा दे सेटिंग्स पे अगर आप जाते हो, और यहाँ पे अगर जाते हो तो देखो अपडेट कर सकते हो वॉच को, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडियल अलर्ट है, इसको ऑन ऑफ करना है, ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर, गूगल फिट जो है, रैपिड आई, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, सेट डिवाइस टाइम, कैमरा सेटर, बॉडी टेम्परेचर, ओनली फाइंड माई डिवाइस, और जो है वेदर सेटिंग, नोटिफिकेशन अलर्ट, माई अलार्म, हैंड वॉश रिमाइंडर, जो है सब कुछ आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। क्विक रिप्लाई भी अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हो, और वर्ल्ड क्लॉक वगैरह जो भी है। फिलहाल ऐप में इतने फीचर्स हमने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कस्टमर केयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो जरिए से, और यहाँ पे वॉच फेसेस देख लो आप, जैसे कि सब अपने हिसाब से इलस्ट्रेशन करके है, और ये क्रोनोग्राफ करके है, मिनिमल एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्री, स्पेस और स्पोर्ट्स, यहाँ पे टेक्स रिलेटेड जो है नेचुरल, और आपको लाइव वॉच फेसेस भी देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना। और यहाँ पे आप मोर पे जाओगे तो जिस भी जैसे नेचर है तो नेचर के यहाँ पे आपको मोर इतने और मिल जाएंगे। तो ऐसे और समय के साथ ये अपडेट भी होते रहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे वॉच ऊपर रख के और नीचे जो है फोटो लगा लो, या फिर इधर अपने हिसाब से वॉच फेसेस को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और यहाँ पे यार अगर इसके टच रिस्पॉन्स की बात कर लेना तो बहुत ही बढ़िया लगा हमें, कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई है, आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस काम कर रहा है। उसके अलावा डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ये ब्राइटनेस इतनी है कि दिन में भी हमें दिख रहा था बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, दिन में बड़े मज़े से यूज़ कर पा रहे थे हम। और यहाँ पे हमको ना जो सबसे थोड़ा सा अजीब लगा है कि बस ये जो डिस्प्ले है ना इसका, अगर हम आपको दिखा दें ये डिस्प्ले है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कम मज़ा दिया है इसका। ये जैसे कि ऊपर से ना थोड़ा सा यहाँ चिंजा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे होता एक बराबर दिखता पूरा जो है किनारे किनारे तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि डीजो में आपने देखा होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि चलो ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमको जैसा लगा हमने बता दिया। बाकी भाई आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो भैया सेंसर्स की टेस्टिंग कर ली जाए, जैसे BP मॉनिटरिंग, जैसे आप टैप करने को बोलोगे तो यहाँ पे कुछ देर बाद जो है ये डिटेक्ट कर लेगा, है ना, ये फर्श है
जमीन है, कपड़ा है, लगता है, मांस है, स्किन है, क्या है, ये सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा और आपको बोल देगा भैया हाथ में पहन लो नहीं तो हम ना पहनेंगे ना। देखो मुलायम जो है गत्ता है, इस पे देखो आपने इसने साफ साफ बोल दिया वियर वॉच प्रॉपरली एंड रिट्राई। टेबल पे भी ना आपको देख लेते हैं भैया, तो टेबल पे भी देख लो आप नहीं नापा है। अब यहाँ पे देखो आपको स्ट्रेस मॉनिटर है, उसके लिए भी आपको हाथ में पहनना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो ऑल ओवर भैया सेंसर्स बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं इसके। SPO2 भी यार देखो कैसे नापता है। तो भैया यहाँ पे इस गद्दे में जो है 99% ऑक्सीजन हवा में तो नाप देगा, लेकिन वापस से देखो वियर वॉच प्रॉपरली एंड रिट्राई। तो स्ट्रेस मॉनिटर भी यहाँ पे आपका तभी काम करेगा जब हाथ में पहनोगे आप, देख रहे हो जो सेंसर्स है ना वो सीरियसली यार बहुत ही बढ़िया से काम कर रहे हैं और ये सिर्फ आपके हाथ में ही काम करते हैं, कहीं और काम नहीं करते हैं। तो ओवरऑल मोस्टली हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है यार। तो अब बता देते हैं अपना ओपिनियन यार ये किसको बाय करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़, जब ये 2000 रुपये मिले ना तभी बाय करने लायक है, 100 रुपये भी एक्स्ट्रा लेने लायक नहीं है। यहाँ तो हम कहेंगे अगर और सस्ता मिल जाए ना 1800-1700 तब ये पैसा वसूल रहेगी वॉच, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी जो है जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है उसी के हिसाब से लगती है, ना कि 2500-2600-2700 के वॉच की तरह जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी है। क्योंकि अभी इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस कह रहे हैं नॉइज़ वाले भैया 2000 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से 2000 के ऊपर ना ही जाए तभी बेहतर है। उसके अलावा यार फीचर्स बढ़िया हैं, सेंसर अच्छे से काम कर रहे हैं, जब आप वॉक वगैरह करते हो सब कुछ जो है बेहतरीन काम कर रहा है। तो ओवरऑल जो वॉच की इंटरनल हार्डवेयर की बात कर लें तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये बाय करने लायक है। और लुक्स भी जो है देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बस बिल्ड क्वालिटी हमें यहाँ पे कमज़ोर लगी है नॉइस की तरफ से। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका करने वाले तो वहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह और पेंट वगैरह कैसे रहेंगे वो सब आपको पता चल जाएगा और इसकी बैटरी लाइफ कैसी रहेगी वो भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए यार अगर 2000 के अंदर आपको मिलती है फिर 2000 की तो फिर हम रिकमेंड करेंगे बाय कर लेना। इसके अलावा यार टीजो वॉच 2 के साथ इसका भीड़ कंपैरिजन लाने वाले हैं तो देखना ज़रूर। तब तक के लिए भैया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह के सच्चे और तगड़े रिव्यू हम लाते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हम खुद अपने पैसों से खरीद कर रिव्यू करते हैं। चलो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और सच्चे रिव्यू के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।